नमस्कार। गर्मी का मौसम आ गया है और जाहिर सी बात है कि गर्मी के मौसम में ठंडी चीज़ खाने की इच्छा होती है, जैसे आइसक्रीम वगैरह है। तो समस्या ये है कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से आप बाहर जाके खा नहीं सकती हैं और ना ही इस समय मार्केट में आइसक्रीम मिल सकती है। तो आइए अब हम आपके इस समस्या का समाधान इस वीडियो में करेंगे। हम आपको बताएंगे कि मिक्स फ्रूट आइसक्रीम किस तरह से बनती है और ये आइसक्रीम जो है इतनी ज़्यादा आसान है, बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में उतनी ही टेस्टी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आइसक्रीम बनाना। रेसिपी देखने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइसक्रीम बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स है वो इस तरह से, ये 100 ग्राम के लगभग अंगूर है, ये 2 संतरे का पल्प हमने निकाल लिया है और ये 2 केला है जिसको कि हमने पीसेज में काट लिया है। ये सब फ्रिज में रखा हुआ फ्रूट्स है। आप भी आइसक्रीम बनाने से पहले सारे फ्रूट्स को फ्रिज में रख लीजिएगा। फ्रिज में रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये थोड़ा टाइट हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा, तो जब आप इसको पीसेंगी तो इसका पेस्ट जो है वो फाइन बनेगा, अच्छा इसका पेस्ट बनेगा, स्मूथ। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। हम इसमें अंगूर डालेंगे, अब हम इसमें केला डालेंगे, ये 50 ग्राम के करीब कंडेंस मिल्क है, इसको हम डाल देंगे। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क है तो आप डालिए और नहीं तो आप चीनी और थोड़ा सा दूध डाल दीजिए। अब चलिए इसको हम पीस लेते हैं, इसका पेस्ट बना लेते हैं। चलिए इसको खोल लेते हैं। ये इस तरह से रहेगा, बाउल में इसको निकाल लेते हैं। ऑरेंज पल्प डालेंगे, पल्प जो हमने निकाला है संतरे से उसको इसमें डाल देंगे। इसको हम फ्रिज में रख देंगे 7 से 8 घंटे तक के लिए जमने के लिए। आइसक्रीम जम चुकी है, अब आइए इसको हम निकालते हैं। ये देखिए ऑरेंज की लेयर जो है इसमें दिख रही है। अब आइए इसको हम एक बाउल में, ये कितना बढ़िया जम गया है देखिए। ये देखिए इसका सारा फ्रूट्स जो है आपको दिख रहा है। अब इसको हम कुछ कटे हुए फ्रूट से गार्निश कर देते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा।